नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 से 12 की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 8 को। ईएमसी की हर वर्कशीट कुछ नया लेकर के आती है, कुछ नया सिखा करके जाती है। यह हमारी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करती है। लाइफ स्किल्स मतलब जब हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिनको हमें फेस करना है, जिनका हमें सामना करना है। उनका सामना कैसे कर पाएंगे, उनके पार कैसे जा पाएंगे, ये हम इन्हीं ईएमसी की वर्कशीट के थ्रू सीख रहे हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट की थीम रहेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। ये उसका सेकंड पार्ट रहेगा। लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें भी हमने यही समझा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसे डेवलप की जा सकती है और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिससे हम इस कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने दो चीज़ें समझी थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने अपने स्कूल में या फिर आपके क्लास में एक आध टीचर ऐसे होंगे, जब वो आते हैं क्लास में उनको सुनना आपको अच्छा लगता है, वो आपके फेवरेट टीचर होंगे। वो थोड़ी से वर्ड में बताते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टीचर के पास नॉलेज नहीं है, उनके पास भी नॉलेज है, उतना ही नॉलेज है, हो सकता है ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में हो सकता है वो उनसे थोड़ा पीछे हो। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस लेवल का बोलना है, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो उन टीचर के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़्यादा बेटर होगी। ओके, ऐसे ही आपकी क्लास में एक आध स्टूडेंट होगा या जब स्टेज पर आप देखते हो कोई स्टूडेंट होगा आपके स्कूल में, वो जब बोलता है बहुत अच्छे से बोलता है, यानी वही चीज़ें आपको पता है लेकिन उसके बोलने का कहने का तरीका एक अलग है, तो उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। ओके, ऐसे ही आपके पड़ोस में होंगे या आपके रिलेटिव में से कुछ ऐसे होंगे, जब आपके घर में आते हैं तो आपका मन करता है वो बोले जाएं, आप सुनते जाएं, यानी वो अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रख पाते हैं। और जब इफेक्टिव तरीके से रख पाते हैं तो हमारा सुनने का मन करता है, हम ऑटोमेटिक वहाँ पर फोकस कर पाते हैं। ओके, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमें आगे, बहुत आगे, सबसे आगे लेके जाएगी। अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बेटर हम आज से इसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। ओके, पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी और एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने समझा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता बल्कि ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम ठीक तरीके से टू द पॉइंट रिप्लाई दे पाएंगे। यानी कि इसमें टू द पॉइंट रिप्लाई का मतलब स्पष्ट रूप से बात कहना, जलेबी नहीं बनाना, वो सब कुछ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। चलिए एक एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी से हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि लास्ट वर्कशीट में हमने क्या किया था। यहाँ पे बल्ब दिया गया, ठीक, वो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य सबसे चमकदार रोशनी देना और मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज किए गए, कुछ सेंटेंसेस यूज किए गए और उसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया गया। ये किसका एग्जाम्पल है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का है, यानी स्पष्ट भी है, टू द पॉइंट भी है, शॉर्ट में सब कुछ हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी गई। जैसे यहाँ पे बताया गया कि मैं एक बल्ब हूँ, बता दिया कि क्या है, रौनक नाम है क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है और उद्देश्य क्या है, चमकदार रोशनी देना, नीड किस चीज़ की, बिजली की है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब इससे हमें क्या पता चला, इन सेंटेंसेस से हमें सब कुछ पता चल गया रौनक के बारे में कि रौनक एक बल्ब है, उसका उद्देश्य चमकदार रोशनी देना और उसे बिजली की नीड होती है। क्लियर हो गया ना? तो इसी तरीके से जब हम अपनी बात को क्लियरली टू द पॉइंट अच्छे तरीके से शॉर्ट में रख पाते हैं तो उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कहेंगे। ओके, अब ऐसी एक जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो अपनी फैमिली के साथ आपको करनी है। अपनी फैमिली मेंबर को बोलिए कि वो कोई वस्तु बने, ठीक, और रौनक की तरह उसके उद्देश्य और ज़रूरतें हैं वो बतानी है। ओके, इसके लिए आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर दे सकते हो अपने फैमिली मेंबर को। अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी की जा सकती है, अपने कजन्स के साथ ये एक्टिविटी की जा सकती है। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप फ़ोन कॉल्स पर अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हो। बहुत कुछ फन एक्टिविटी होगी, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से कोई बता पाएगा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में से, इट मीन्स दैट उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे कहीं बेटर है। ओके, जिसके पास भी है, ठीक। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी आपको करनी है। ये तो बात हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों की, उसकी ज़रूरतों की कल्पना करने की, अब बारी है आपकी। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर चर्चा करनी है, यानी भविष्य में आपके उद्देश्य क्या, ज़रूरतें क्या। जब आपसे पूछा जाता है कि बेटा क्या बनना है, जनरली आप बोलते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे CA बनना है। ओके, लेकिन क्या कभी आपने सीरियसली सोचा कि डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनना है, क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद आप बन पाओगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कितना पैसा लगेगा, सोचा कभी? नहीं सोचा होगा।
आपने हो सकता आप में से कुछ बच्चों ने इसलिए बनना डिसाइड कर लिया कि आपके पेरेंट्स ने कहा होगा मेरा राजा बेटा डॉक्टर बनेगा, आपने कहा ठीक है डॉक्टर बन जाते हैं। आपके फ्रेंड्स ने कहा कि हम टीचर बनेंगे, ठीक है टीचर बन जाते हैं। कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, तो सोचिए उसके बारे में, डिस्कस कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी, पहली बार आप इसके ऊपर सीरियसली सोचोगे। ओके, तो आपको सोचना है कि क्या बनना है और बनना है तो क्यों बनना है, क्या एक्चुअली में आप फील करते हो कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, आप में वो स्किल्स हैं। ओके, उसके बाद देखना है कि क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आप सोचिए। फाइनेंशियल नीड है वो भी आपको सोचनी है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होती है, हमें देखना होता है। मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम आते हैं तो कई बार ये चीज़ें भी हमारे लिए मैटर करती है। तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी रहेगी जो आपको करना है। और अगर आप अपनी बातों को ठीक से अपने फैमिली को समझा पाते हो, डिस्कस कर पाते हो, इट मींस दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई कैप्सूल या फिर मेडिसिन नहीं आती कि इम्प्रूव हो जाएगी। आप ऐसे ही छोटे छोटे डिस्कशन जब करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे, क्लास में करोगे, क्लासमेट्स के साथ करोगे, उसी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। ओके, एक दिन में नहीं होनी, आप अभी से ठान लीजिए कि आपको कुछ करके दिखाना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, आपको करते रहना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछली वर्कशीट की बात की, पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था कि ध्यान से सुनना, ओके, और स्पष्ट रूप से बोलना, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। क्या इसके अलावा भी कुछ और होता है? आप अपने उसी टीचर को फिर से याद कीजिए जिनकी हमने बात की थी, कि जो टीचर आपके फेवरेट है और आपको लगता है कि वो बाकी टीचर से बेटर वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं। क्या अलग होगा? वो टीचर आपके कंसेप्ट को क्लियर को अलग अगर कर पाते हैं, देख तो वो टू द पॉइंट बोलते हैं, ठीक। दूसरा ये है कि वो ठीक से आपकी बात को भी सुनते होंगे, तभी तो आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव होगी। आप सोचिए, बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉजिटिव होगी, तभी आपको मज़ा आता है, आपको लगता है कि वो आपके साथ मिल करके सीख रहे हैं। तीसरा, वो बोर्ड का यूज़ करते होंगे, ओके, बोर्ड का यूज़ करते हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाता है। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम बोर्ड का यूज़ करते हैं, हमारे जेस्चर्स हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इस वर्कशीट में बात करेंगे। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो जनरली मेरी हैबिट ये है कि जैसे क्लासरूम में एंट्री की डेट मेंशन करनी होती है, सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, टॉपिक मेंशन करना होता है। अब जो टॉपिक मेंशन किया और जिन टीचर ने टॉपिक मेंशन नहीं किया, क्या कोई डिफरेंस आएगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जैसे ही जाते ही टॉपिक मेंशन कर दिया, जब तक बच्चे अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को निकालेंगे, तब तक उनका माइंड सेट हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, उनका माइंड उस लेवल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड भी उस लेवल पे आने में टाइम लगाता है। और पूरी क्लास में वो टॉपिक जब तक दिखता रहेगा तो उनका फोकस है, उनका जो अटेंशन है वो उसी टॉपिक के ऊपर रहेगी, और बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। ये मैटर करता है कि क्लियर हो कि हम क्या करने वाले हैं, क्लियर हो कि हम क्या बताने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने बात की थी कि हमारे एक टीचर होते थे बीएड में, वो टीचर होते थे, वो टॉपिक शुरुआत कुछ और करते थे और जब जाते थे कुछ और ही टॉपिक होता था, ना हमें क्लियर होता था ना उन टीचर को क्लियर होता था कि वो पढ़ा के क्या गए, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये भी मतलब है कि टू द पॉइंट हमें रहना है, ओके, टू द पॉइंट हमें रहना है, और वो चीज़ें हमारे जो सामने वाला सुनने वाला है उसके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो बोर्ड का यूज़ किया जाता है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है। जैसे जनरली ये होता है कि मैं अगर टीच कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं जेस्चर्स को, हाथों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे टीवी के बारे में बता रहा हूँ, मैंने थर्ड अंपायर की तरह टीवी बना दिया। इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं कि मैं मैजिशियन हूँ, जादूगर हूँ, टीवी बन गया, लेकिन यहाँ से फोकस, अटेंशन, जो कंसनट्रेट है बच्चों का बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा होगा, बनाया नहीं लेकिन वो इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ टीवी की बात की जा रही है। तो ये जो जेस्चर्स है, हम जो बॉडी लैंग्वेज कहेंगे, बॉडी लैंग्वेज है, ये भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे कोई बता रहा है तो थोड़ा सा आगे झुक के सुनना, ओके, जैसे कोई बता रहा है तो उसके साथ साथ गर्दन को हिलाना, ओके, जैसे आप टीचर को देखा होगा कि जो इफेक्टिव तरीके से टीच करते हैं वो राउंड लेते रहते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को उनको यूज़ करना होता है, हाथ उनके काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, हाथों की मूवमेंट। तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसी जो बोर्ड का यूज़ है, बोर्ड का जितना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उतना ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है, यानी हम ज़्यादा बेटर तरीके से उन चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। क्लियर ही तो करना है ना कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी बातों को ठीक से समझाना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? ध्यान से सुनना,
स्पष्ट रूप से बोलना यानी कि क्लियर होना चाहिए, जलेबी नहीं बनानी है। तीसरा हमारी बॉडी लैंग्वेज है। चौथा जो हम पिक्चर्स डायग्राम अगर यूज़ कर सकते हैं तो उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं आज की इस वर्कशीट में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, इसमें काफ़ी सारी इमेजेस दी गई है। पहली जो इमेज दी गई है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बोल करके बताया जा रहा है, ठीक। सेकंड इमेज है एक पोस्टर है, पोस्टर के थ्रू कुछ मैसेज दिया जा रहा है। तीसरी इमेज है एक एडवर्टाइजमेंट की, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट है, उसके थ्रू कुछ बताया जा रहा है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, पहले में प्रस्तुत करके बोल करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से, और तीसरे में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो बोलने के अलावा हम चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से रख सकते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कि कई बार टीचर्स है वो अगर आपकी स्कूल में भी है IIT का, अगर ठीक से यूज़ किया जाता है तो उसमें भी आपको दिखाया जाता है कि इस तरीके से ये पिक्चर्स है, आपका फोकस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टीचर्स है वो गूगल से काफ़ी सारे इमेजेस लेकर के आते हैं। अब इमेजेस लेकर के आते हैं, आपको वो कंसेप्ट है ज़्यादा समय तक याद रहता है, बहुत देर तक याद रहता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ऐसा ही सेम बोर्ड के साथ है, आप बोर्ड को भी इमेज मान सकते हो, ज़्यादा अच्छे समझ में आता है ना जो बोर्ड का यूज़ करते हैं और एक चेयर पर बैठ करके ही टीच करते रहे। चेयर पर बैठ कर टीच करें, आलस आएगा, आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, ठीक से समझ में नहीं आएगा। जबकि टीचर अगर बोर्ड का यूज़ कर रहा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, ओके। आपकी लाइफ में भी आप प्रैक्टिकली तौर पे भी ऐसे ही सीखते हो। जैसे बात की जाए, आपने शोले मूवी देखी है, देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। शोले मूवी जैसे मैंने नाम लिया, बहुत सारी इमेजेस आपके सामने आ गई। 3 Idiots मूवी देखी है, देखी आपने, इमेजेस आपके सामने आ गई है, ओके, वो सारे सीन आपके सामने आ गए। तो ये जो मूवीज़ आपने देखी है तो उस वक्त आपको बताया गया था कि ये मूवीज़ हैं, इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे? नहीं बताया गया था। या फिर आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि इसको याद करो, मैं सुनने वाला हूँ या सुनने वाले हूँ? नहीं कहा गया था। आपका फोकस, आपका उस वक्त अटेंशन 100% था? नहीं था। लेकिन फिर भी आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि इन चीज़ों को आपने देखा है। जो चीज़ें हम सुनते हैं वो थोड़ी समय के लिए याद रहती है, ओके। जो चीज़ें पढ़ते हैं वो थोड़ी से ज़्यादा समय तक के लिए याद रहती है, जो चीज़ें हम देखते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा याद रहती है, और जो हम करके देखते हैं वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो ये जो देखना है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ को करके नहीं देख सकते। तो लंबे समय तक अगर याद रखना है, समझना है, तो वो देखना है वो इम्पोर्टेंट होता है। यही चीज़ें किसके साथ रहती है? जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, अगर हम पिक्चर्स का यूज़ करें, डायग्राम का यूज़ करें, तो उससे वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। दूसरों का फोकस है, अटेंशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बेटर वे से हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं, ओके। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। बॉडी लैंग्वेज भी उसी का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम चित्र डायग्राम नहीं बना रहे, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों का फोकस है वो अपनी तरफ ले पा रहे हैं, ओके, ठीक तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई, कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचना आपको, ठीक। कुछ एडवर्टाइजमेंट है उनके बारे में सोचना है। ये TV रेडियो पर आने वाले विज्ञापन हो सकते हैं, अखबार में छपने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं, उनके बारे में सोचिए। और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी यह कि जितनी बेटर एडवर्टाइजमेंट होगी, जितने बेटर आप एग्जाम्पल दे पाते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, जितना बेटर आप डायग्राम बना पाते हो, जितने बेटर तरीके से आप अपने जेस्चर को यूज़ कर पाते हो, उतना ही इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, कुछ कम पॉपुलर होती है, कुछ हमेशा के लिए याद रह जाती है, ओके। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के आपको क्या करना है, किसी मुद्दे या वस्तु पर एक विज्ञापन बनाना है, और लिख कर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बना करके, ठीक। और उसके बारे में सोचना है क्या ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव है इट मीन्स दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इफेक्टिव होगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एक टाटा स्काई की एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब झिंगा लाला तो समझ में नहीं आया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वो आज भी याद है, ओके। जैसे एल्पेनलीबे की एडवर्टाइजमेंट आती थी, जी ललचाए रहा ना जाए, आज भी याद है, ओके। तो ऐसी कुछ कैची वर्डिंग्स उन एडवर्टाइजमेंट में यूज़ की जाती है, कैचिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, शॉर्ट होती है, टू द पॉइंट होती है, अच्छी लगती है, कुछ अलग होती है, अच्छी लगती है ना, याद रह जाती है। तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट है, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का एक वे होता है। तो एक एक्टिविटी अपनी फैमिली के साथ करनी है, एक एडवर्टाइजमेंट आपको बनानी है। आप खुद बना सकती हो, वीडियो बनाइएगा, ओके, वीडियो बना सकती हो, अगर वीडियो बना सकते हो, अदरवाइज आपको उसको जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है उस टाइप की बनानी है और अपनी वर्कशीट में डालना है उसको।
अब देखिए कि जो हम कैसे देख पाएंगे कि ये आपने जो एडवर्टाइजमेंट बनाई वो कैसे लगी, जैसे कि आपको देखना है कि क्या विज्ञापन देखने वाले को फ़ायदा दिखा रहा है, कि जो भी आपने ऐड बनाई क्या अगर वो है आपके सोशल मैसेज वाली नहीं है एडवर्टाइजमेंट, तो आपको देखना है कि क्या उससे फ़ायदा दिख रहा है कि दूसरा है वो अट्रैक्ट हो पाए उस विचार को लेकर के, उस वस्तु को खरीद पाए। ओके, वो दिखना चाहिए। जैसे कि फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट आती थी, फेयर एंड लवली 7 दिनों में गोरापन, 7 दिनों में गोरापन अगर होता तो भाई क्रिस गेल है या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है यहाँ पे आते, वो भी ले जाते ना फेयर लवली। जैसे आते हैं कई सारे होते हैं स्टेप अप आते हैं, या कई सारे ऐसे आते हैं हॉर्लिक्स आते हैं कि अपने हाइट को बढ़ाइए। ये जब कोविड आया तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट गायब ही हो गई थी, यानी इम्यूनिटी बूस्टर का ये दावा करने वाले, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट तो किया ना इन्होंने, अट्रैक्ट किया। तो आपको देखना है कि क्या जो विज्ञापन है वो देखने वाले को अपना फ़ायदा दिखा पा रहा कि ऐसा कुछ होगा। ओके, दूसरा क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की बात समझ में आ रही है, यानी कि क्लियर है वो, अगर क्लियर है तभी वो चीज़ें हम ठीक से मैसेज अपना दे पा रहे हैं। तीसरा ये कि क्या उसके बाद उसको प्रेरणा मिल रही है जो उसको देख रहा है, यानी कि उसका आदत है, उसका नज़रिया है वो चेंज हो रहा है, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर के आप उसका आदत है नज़रिया चेंज हो रहा है, या फिर किसी वस्तु को खरीदने की बात है तो वो खरीदने के लिए क्या वो तैयार हो पा रहा है मेंटली तौर पे, तो ये उसकी सक्सेस को दिखाता है। और अगर वो अच्छे तरीके से तैयार हो पा रहा है, इट मीन्स दैट हमने इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट किया है। ठीक, तो आप इस तरीके से एक्टिविटी करके देखिएगा और फिर चेक कीजिएगा। आप पॉइंट्स दिलवा सकते हो अपने फैमिली मेम्बर से कि बताइए कितने पॉइंट्स मिलेंगे इसको। ठीक, तो ये एक मज़ेदार फन एक्टिविटी होगी जो आपको करनी है। ऐसी एक्टिविटी जो आपने की है, अब आप अपना उसी एडवर्टाइजमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उसे कहिए कि वो भी एक ऐड बनाए और आपके साथ शेयर करें। ठीक, आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसी थी, विज्ञापन कैसा लगा। आपको डिस्कस करना है विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं। ठीक, अच्छा लगा आपने बता दिया, जनरली सवाल क्या है कि ये किसके बारे में है या कैसे है। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मीन्स दैट आपके एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी नहीं है। विज्ञापन में क्या अच्छा लगा ये भी आप पूछिएगा, और विज्ञापन को और ज़्यादा कैसे बेटर बना सकते हैं आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज है जो आपको वर्कशीट में यहाँ नहीं करनी है, लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है। ओके, तो अब हमने इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखा कि अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कैसे रख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा इस एक्टिविटीज़ के थ्रू कि अपनी बात को ज़्यादा बेटर तरीके से कहने के लिए जो इमेजेस हैं, चित्र हैं, वो भी एक इफ़ेक्टिव माध्यम होते हैं जिससे हम अपनी बात को और ज़्यादा बेटर तरीके से रख सकते हैं। ठीक, तो प्रभावी संचार के अनेक आयाम होते हैं, जैसे किसी बात को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक, यानी सुनना है और मेन टारगेट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब दूसरे को प्रभावित करना है, प्रभावित करना ना, तो उसमें सुनना भी शामिल है क्योंकि तभी हम प्रभावित कर पाएंगे। उसके अलावा टू द पॉइंट होना चाहिए, वर्डिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, यानी कि जो भी हम टॉपिक पे बात करें। ओके, उसमें बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी और उसमें पिक्चर डायग्राम वगैरह भी मैटर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस वर्कशीट से सीखा। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम सेकंड सेगमेंट की, और सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड, जो आपको अपनी वर्कशीट की नोटबुक है उसमें करने। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, वर्कशीट में दी गई पंक्तियों से रौनक के बारे में क्या पता चलता है। तो उपरोक्त पंक्तियों से रौनक के उद्देश्य और जरूरतों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। रौनक एक बल्ब का नाम है जिसका उद्देश्य चमकदार रोशनी देना, और रौनक की जरूरत है बिजली, यानी ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसी वर्कशीट पर बेस्ड, कि क्या प्रभावी संचार ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है। हाँ, प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा चित्र, विज्ञापन और बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है, उससे हम अपने प्रभावी संचारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है कि कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किया जाते हैं। तो जो विज्ञापन ज़्यादा पॉपुलर हैं वे स्पष्ट होते हैं, उद्देश्य के अनुसार होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, आकर्षक मतलब कैची होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, फोर्थ क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु पर एक विज्ञापन आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक ढाबे का विज्ञापन बनाया जिसे बाबा का ढाबा। ओके, गुड मोड फूड, यहाँ पे एक कैची स्लोगन दे दिया गया, फ्री होम डिलीवरी, प्योर वेज, इस टाइप से बना दिया गया। तो एक एग्जाम्पल जस्ट दिया गया आपको, आप इसे बेटर तरीके से एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। ओके, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे सोशल इश्यू हो गया, सेव वाटर हो गया, सेव अर्थ हो गया, क्लियर।
या पॉपुलेशन को रिगार्डिंग हो सकता है, कोविड की रिगार्डिंग हो सकता है, ओके, और किसी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग हो सकता है, तो वो आपको बनाना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट पसंद आई तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।